बच्चों, मैं नेहा सेन लव भारती परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक बसंत का 8वां पाठ, जो कि एक कविता है, जिसकी जो कवयित्री है वो जया जादवानी जी हैं। तो पहले उनके बारे में जान लेते हैं। जया जादवानी जी का जन्म 1 मई 1959 को कोतमा जिला शहडोल और राज्य मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी भाषा जो थी रचनाओं की वो हिंदी थी। इन्होंने जो विधाएं लिखी उनमें उपन्यास, कविता और कहानियां थी। इनकी प्रमुख कृतियों में कविता संग्रह में मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी, उठाता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य, ये तीनों इनके कविता संग्रह है। कहानी संग्रह में इनके मुझे ही होना है बार बार, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ कांधे पर अपना हल लिए, इनके कहानी संग्रह है। उपन्यास में तत्व मसीह कुछ ना कुछ छूट जाता है, मिठो पानी और खारो पानी, ये इनके उपन्यास थे। इसके अतिरिक्त आपके यह सबसे कठिन समय नहीं जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, वो आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। इन क्लास 8 दिस इज 8 चैप्टर, आपकी कक्षा में 8वां चैप्टर ये है। इनको जो सम्मान दिए गए थे छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान इन्हें दिया गया। चलते हैं कविता की ओर। यह सबसे कठिन समय नहीं, इस कविता में कवयित्री की आशावादी सोच दृष्टिगोचर हो रही है। आशावादी सोच जो इनकी दृष्टिगोचर हो रही है, वो बता रही है कि जब तक इस संसार में आशा मौजूद है, यानी जब हम अपनी आशा छोड़ देते हैं, तब हमारे जीवन में कठिन समय आता है। जब हम कठिनाइयों से लड़ने के लिए हमारे जो विचार हैं उनको त्याग देते हैं, उनको सकारात्मक की जगह अगर हम नकारात्मक वे में लेते हैं, नकारात्मक मार्ग में उनको देखते हैं, तब हमारे सामने निराशा रूपी भाव आता है और वो कठिन समय हमारे लिए बनकर आता है। तो कैसे भी परिस्थितियों में हमें निराश नहीं होना चाहिए, और यदि हम निराश नहीं होंगे तो हमारे जीवन में वो कठिन समय कभी भी नहीं आएगा। जब हमें आशा का संचार होगा, जब हमें सकारात्मक सोच का संचार होगा, तो हमारे जीवन में आने वाली जितनी भी बाधाएं, जितने भी कठिन रास्ते हैं, वो अपने आप अच्छे रास्तों में बदल जाएंगे। मतलब कठिन समय हमारे लिए रहेगा ही नहीं जब हम नकारात्मक सोचेंगे नहीं, जब हम आशा को छोड़ेंगे नहीं, निराशा को हम अपने जीवन में स्थान ही नहीं देंगे, तो हमारे जीवन में कठिन समय कैसे आएगा। तो वही चीज यहाँ पे दर्शाई कवयित्री ने। इन्होंने चिड़िया के माध्यम से, रेलगाड़ी के माध्यम से, मदद करने वाले हाथों के माध्यम से, दादी नानी जो बच्चों को कहानियां सुना करके कल्पनाओं के संसार में ले जाती है, उनके माध्यम से, और कहने का तात्पर्य यहाँ पर ऐसे 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 तत्वों का उन्होंने चुनाव किया है जिनके माध्यम से संसार चल रहा है। मतलब ये संसार में कठिन समय अभी नहीं आया है, ये यहाँ पे कहना चाहिए। देखते हैं कैसे। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है कि नहीं, अभी ये सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। यानी जब तक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए है, वो तिनका तिनका जोड़ करके अपने घोंसले का निर्माण करती है और वह उड़ने की तैयारी में है, और वह उड़ने की तैयारी में रहती है। ना तात्पर्य क्या है यहाँ पर, जो चिड़िया है वो तिनका तिनका जोड़ करके अपना घोंसला बनाती है, उसमें अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और उन्हें बड़ा करती है। तो जब तक वो चिड़िया जो है अपना घोंसला बना रही है, वो तिनका उसकी चोंच में है अपना घोंसला बनाने के लिए, तब तक निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे उसका संसार चल रहा है ऐसे हमारा भी संसार चल रहा है। ठीक है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, यानी अभी भी पेड़ से झड़ती हुई पत्तियों को थामने को बैठा है हाथ एक, अर्थात अभी भी जो पेड़ से पत्तियां गिर रही है उसको संभालने के लिए कोई हाथ है जो उसकी सहायता करने के लिए तत्पर है। अर्थात ऐसे लोग जो मुसीबत में हैं, जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जिनके जीवन में बाधाएं हैं, उनकी मदद करने के लिए भी जो हाथ है वो आगे आते हैं, अर्थात उनकी मदद करने के लिए भी व्यक्ति संसार में मौजूद है। इसलिए निराश होने का समय अभी नहीं है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। यानी जब तक रेलवे स्टेशन पर, यानी रेल जो रेलगाड़ियां होती है वो यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, और जब तक ये स्थिति है, अर्थात रेलगाड़ी यात्रियों को अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, तब तक निराश नहीं होना चाहिए। अर्थात जब व्यक्ति अपनी मंजिल को पाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं आ रही है, तो वो क्या है बच्चों, उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आशा है कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच रहा है।
जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अर्थात अभी भी ऐसे लोग संसार में मौजूद हैं जिनका लोग इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के ऊपर उनका जीवन टिका हुआ होता है। जैसे बूढ़े माँ बाप होते हैं अपने बच्चों का इंतजार करते हैं क्योंकि वही उनकी आंखों का सितारा होते हैं और वही उनके जीवन की पूंजी होते हैं। तो जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, कोई व्यक्ति है जो प्रतीक्षा कर रहा है, कोई पुरुष महिला या पुरुष कोई भी लगा वो इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, कि सूरज के डूबने का समय हो गया है। जहाँ कहीं भी हो जल्दी लौट आओ, हमें आपकी आवश्यकता है, हमें आपकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन जो है आप ही के ऊपर टिका हुआ है, आप पर ही हमारा जीवन आधारित है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, कि अभी भी संसार में जो बूढ़ी नानी और दादियां हैं वो अपने पोतों और पोतियों को, दोहतों और दोहतियों को अपने कल्पनाओं के संसार से चुनी हुई जो कहानियां होती हैं वो कहानियां सुनाती हैं और उन्हें कल्पनाओं के लोक में ले जाती हैं, उनमें आशाओं का संचार करती हैं। आसमान में उड़ने वाली परियां हैं, घोड़ों पर बैठे हुए राजकुमार हैं जो नदी नालों को पार करते हुए परियों को बचाते हैं, या ऐसे असुर जो राक्षस हैं उनको मारने वाले हैं, राजा रानी की कहानियां हैं, दुष्टों का संहार करने वाली कहानियां हैं, तो अंतरिक्ष में ले जाने वाली कहानियां हैं, चंदा मामा तक पहुंचने वाली कहानियां हैं। तो ऐसी कहानियां जब तक बच्चों को बताई जा रही है किनके माध्यम से, दादी और नानी के माध्यम से, तो ऐसी कहानियों का जो आखिरी हिस्सा यानी अभी वो समाप्त नहीं है सुनाना, आपके घर में भी अगर आप देखोगे तो आपके घर में भी आपकी जो दादी है, आपकी जो नानी है, वो भी आप लोगों को कहानियां सुनाती होंगी ना। तो उन कहानियों के माध्यम से आप में आशा का संचार होता है, क्योंकि वहां पर हमेशा जीत जो होती है वो सच्चाई की होती है, अच्छाई की होती है, और बुरी पर अच्छाई की जीत जो है वो आशा का संचार है, सकारात्मकता का संचार है। और ऐसे ही इसलिए कवित्री ने यहाँ कहा है कि जब तक ऐसा हो रहा है, जब तक दादी और नानियां अपने बच्चों को कहानियां सुना रही है, कल्पनाओं के लोक में ले जा रही है, तब तक निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आती है एक बार अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाए गए बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। आज जहाँ लोग चांद पर पहुंच गए, अंतरिक्ष किसी भी ग्रह पर पहुंचना आज हमारे लिए अगम्य नहीं है, दुर्गम नहीं है, तो वहां से अभी भी एक बस आएगी। कहने का तात्पर्य आशा की किरण वहां पे भी दिखाई दे रही है कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, कि वहां पर कौन कौन से जीव मौजूद है, वहां पर प्राण है या प्राण वायु है या नहीं, वहां पर जल है या नहीं। जैसे मंगल ग्रह पर और ये जो आपका चंद्रमा है इसके ऊपर जीवन खोजा जा रहा है, वहां पर पानी खोजा जा रहा है, प्राण वायु और ऑक्सीजन है उसको खोजा जा रहा है, तो उनकी खोज करके वहां पता लगाया जा रहा है कि अगर वहां पर जीवन संभव है तो जीवन के लिए कौन कौन सी चीजें हमारे लिए आवश्यक है, उन चीजों की वहां पर खोज चल रही है, ठीक से चल रही, रिसर्च चल रहा है उस चीज में वहां पर। तो इसलिए यहाँ पर कवित्री ने कहा है कि अभी भी वो आशा रूपी किरण, वो संचार, वो जो आशा रूपी जो संचार है, सोच जो है वो अभी भी मौजूद है कि अंतरिक्ष से यानी ब्रह्मांड से कोई एक बस आएगी जो वहां की दुनिया में रहने वाले लोगों के बारे में, वहां जो प्राण वायु या वहां जो तत्व मौजूद है उनके बारे में जानकारी लेके आएगी और हमें बताएगी कि वहां पे भी जीवन संभव है और वहां जीवन के लिए कौन कौन से मूलभूत आवश्यकताओं, मूलभूत चीजों की आवश्यकता होती है, उन सब के बारे में हमें बताएगी। वो बचे हुए लोगों की खबर लाएगी कि नहीं, जब तक जीव संसार में ये चीजें चल रही हैं, जब तक दादी नानियां अपने बच्चों को कहानियां सुना रही हैं, जब तक रेलगाड़ी चल रही है, यात्री अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, जब तक पत्तियों को पेड़ से झड़ती हुई पत्तियों को थामने के लिए हाथ उठ रहे हैं, अर्थात दूसरों की कठिनाइयों को देख करके उनकी मदद के लिए आगे आने वाले हाथ मौजूद है, अर्थात जब तक चिड़िया तिनके इकट्ठे करके अपना घोंसला बना रही है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, तब तक इस संसार में आशा का संचार होता रहेगा। जब तक आशा, सकारात्मक सोच हमारे जीवन में रहेगी, तब तक नकारात्मक हम पर हावी नहीं होगी और हमारे जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां हैं, जो हमारी बाधाएं हैं, वो अपने आप शांत हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें नकारात्मकता और निराशा का कोई जब भाव ही नहीं होगा तो हमें कठिन बाधाएं, कठिन जो रास्ते हैं, कठिन जो मार्ग है वो दिखाई नहीं देंगे, और जब वो नहीं दिखाएंगे तो हमारा जीवन खुशहाल रहेगा, और हमारा जीवन खुशहाल रहेगा तो हम भी खुशहाल रहेंगे।
ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कविता। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।